हेलो गाइस, वेलकम टू StudyTuber। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे है, बेहद इंपॉर्टेंट और खानदानी है, और ऐसा क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे फंस भी जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो वही सॉल्यूशन, वही कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है, तो उम्मीद है आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। आइए क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। इफ वाई इक्वल एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। और हमें क्या फाइंड करना है? डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मसला यह है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहां पे लॉग लेना है, कहां पे लॉग नहीं लेना है। अगर एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर इतना सिर्फ टर्म होता तो आप लॉग लेकर बना देते, लेकिन इसके साथ एक और टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि ये आप मानोगे क्या, यू मानोगे, इतना को भी मानोगे। ये मान लो यू है और ये भी है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? लेट यू इक्वल एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स एंड वी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमेशा याद रखिएगा, अकेला अर्थ तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहां पे अलग अलग टर्म है ना, इसलिए आप इसको u मान लो, इसको v मान लो। अब u और v मानने के बाद क्या करेंगे? तो u और v मानने के बाद अब जब सोचिए, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो क्या हमें जो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल जो होगा आपका क्या होगा? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अगर हमें du बाई डी एक्स का वैल्यू और dv बाई डी एक्स का वैल्यू दोनों का वैल्यू आ जाता है और उसके बाद आप उसको प्लस कर दोगे, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेशक मिलेगा। तो आइए ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने माना यहां पे u इक्वल इतना और v इक्वल इतना। तो अब जब गौर पाइएगा, जब u इक्वल आपका x का पावर x cos x है, और अभी मैंने कहा ना कि ये अगर तनहा रहता तो आप लॉग ले सकते हो, अब हमने इसको तनहा बना डाला। देखिए तो u इक्वल x का पावर x cos x, अब क्या करेंगे? लॉग ले सकते हैं, यहां पे हम लॉग ले सकते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट। अब जब दोनों साइड हम लॉग लेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख पा रहे हो लॉग यू इक्वल लॉग एक्स का पावर एक्स कॉस एक्स, ऐसा होगा कि नहीं होगा लॉग लेने के बाद? अब जरा गौर पाइएगा, एक स्टेप और बढ़ते हैं लॉग का ही काम करते हुए। लॉग यू इक्वल लॉग एम का पावर एन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? एक्स कॉस एक्स और इंटू लॉग एक्स, ऐसा होगा कि नहीं? लॉग एम का पावर एन इन लॉग एम। अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है डीयू बाई डी एक्स। तो यहां पर लिखे क्या? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन की जरूरत नहीं, आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे। तो यहां पे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे को क्या आएगा? डी लॉग यू बाई डी यू इंटू डीयू बाई डी एक्स दैट इक्वल। अब जरा गौर फरमाइए, ये इतना यू मान लो, इतना भी मान लो, तो यू इंटू भी के रूल पे है ना, तो हम लोग u इंटू वी रूल बचपन में पढ़े थे कभी, x cos x इंटू डी log x बाई डी एक्स प्लस log x इंटू डी एक्स cos x बाई डी एक्स, ऐसा होगा कि नहीं होगा? हमने u इंटू वी के रूल पे तोड़ दिया। अब यहां पर लिख दू, आप जब गढ़ पा सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा यहां पे, वन बाई यू इंटू log u है, log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by u, d log u by du और into d by dx जो कहते हो, क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है, that equal x cos x, और यहां पे देखिए तो क्या है? log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x plus log x। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे x cos x है, मतलब क्या? ये आपका u into v रूल पे है, देखिए तो जरा x cos x का मतलब क्या हुआ? u into v रूल। तो यहां पे इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ऐसा x into d cos x by dx plus cos x into
dx by dx. हमने इसको u into v के रूप में स्प्लिट कर लिया. उम्मीद है यहां तक क्लियर है. चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं. यहां पे आपका 1 by u है तो रहने दीजिए 1 by u into du by dx that equal x से आपका x कैंसिल हो जाता है. देख सकते हैं क्या बच गया cos x into 1 तो cos x क्लियर है. चलिए प्लस फिर यहां पे क्या है log x जो गॉट पाइएगा x और यहां पे cos x है तो cos x का डिफरेंशिएट देखिए cos में d लगा हुआ इसका मतलब है cos का डिफरेंशिएट करना. तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है minus sin x. तो minus sin x into x क्या लिख सकते हैं minus x sin x plus dx by dx क्या होता है 1. तो 1 को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ cos x आएगा. अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं 1 by u into du by dx that equal cos x और इस log x से दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहां पे into का साइन है. तो जब यहां पे into का साइन है और मेरे को log x से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है तो आप जब गॉट मार सकते हो इतना से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आएगा माइनस x sin x log x होगा कि नहीं होगा माइनस x sin x log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आएगा माइनस x sin x log x. क्लियर है. फिर देखिएगा प्लस इनटू प्लस प्लस cos x और log x को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा cos x इनटू log x. क्लियर है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. यहां पर हमें du by dx फाइंड करना है तो du by dx इक्वल हम क्या ले सकते हैं u into u इधर आ जाएगा तो क्योंकि मेरे को चाहिए क्या देख सकते हैं du by dx चाहिए तो u into cos x minus x sin x into log x plus cos x into log x ये तो मेरे को क्या आया du by dx. अब चाहो तो यहां पे वैल्यू भी पुट कर सकते हो तो लिख ही देते हैं du by dx that equal u का वैल्यू क्या है x का पावर यहां u है देखिए u हमने क्या अज्यूम किया है u अज्यूम क्या है x का पावर x cos x x का पावर x cos x लिख दिए यहां पे cos x minus x sin x into log x plus cos x into log x. यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा बात हर बात पे अच्छे से. मैंने किसका वैल्यू फाइंड किया du by dx इज इट क्लियर ना. चलिए अब हमें क्या फाइंड करना सोचना है क्या फाइंड करना हमें हमें तो du by dx फाइंड करना और du by dx फाइंड करने के लिए हमने लिखा है यहां पे क्या du by dx plus dv by dx. तो du by dx आ गया प्लस क्या चाहिए dv by dx dv by dx तो v को डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में v हमारा क्या है v हमारा ये तो है देखिए तो जरा x square plus 1 by x square minus 1 तो इसको हम लोग अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अगेन v इक्वल हमारा क्या है x square plus 1 by x square minus 1. अब हमें dv by dx फाइंड करना है तो dv by dx फाइंड करने के लिए आप जरा गौर फरमाइए ये किस रूल पे है u by v इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों इसमें डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो u by v बचपन में लोगों ने पढ़ा था. तो क्या होता है फॉर्मूला x square minus 1 into d x square plus 1 by dx minus x square plus 1 into d x square minus 1 by dx by क्या होगा x square minus 1 का whole square. क्लियर है. अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो जरा गौर फरमाइएगा यहां लिख देता हूं x square minus 1 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x तो 2x से आप मल्टीप्लाई कर दो बेहतर होगा स्पेस पर कम है इसलिए मैं इसी में सोचता हूं x स्क्वायर है यहां 1 है 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा. क्लियर है. x स्क्वायर क्या होगा 2x 2x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आएगा 2x क्यूब माइनस 2x. फिर आप अब यहां पे d लगाओ मतलब इसको डिफरेंशिएट करना तो माइनस 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया फिनिश हो जाएगा बच गया क्या x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x तो 2x इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2x बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. जब गॉट मारिएगा ये आपका कैंसिल हो गया तो फाइनली आपको क्या आता है
जरा देख सकते हैं, मैं यहां ले देता हूं, ठीक है, क्या आएगा, माइनस फोर एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, इतना होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स, और डीवाई बाई डी एक्स क्या है, देखिए तो डीवाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स, तो फाइनली हम यहां पर ले देते हैं डीवाई बाई डी एक्स इक्वल डीवाई डी एक्स क्या है, इतना है सारा टर्म, तो मैं यहां पर ले देता हूं एक्स का पावर एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स और प्लस भी डीवी बाई डी एक्स, तो डीवी बाई डी एक्स क्या है, आप जब अगर सकते हो माइनस फोर एक्स, तो यहां प्लस दिए हैं तो प्लस माइनस माइनस दैट लेता हूं, तो माइनस फोर एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। देखिए कितना बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तरीके से आपके सामने मैंने वीडियो का इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया। तो उम्मीद है आपको हर बातें हर चीज अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए। एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कोई बंदा अगर दिल से मेहनत कर रहा है तो उसको सपोर्ट क्या करिए, ये सपोर्ट करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका दायित्व है, और जब आप सपोर्ट करोगे तो अगला बंदा जो है वो आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो मेरा क्या कहना है, आप बखूबी, अब छोटे बच्चे हो नहीं कि नहीं समझ पाओगे, हर बातें आप समझ रहे हो, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, तो मेरे ख्याल से ऐसी इतना ही।